दोस्तों, रामायण और महाभारत में हमने बहुत से दिव्यास्त्रों के बारे में पढ़ा और सुना है, परंतु एक ऐसा भी अस्त्र है जिसका उल्लेख केवल शास्त्रों और वेदों में ही किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, देवाधिदेव महादेव का महाप्रलयंकारी अस्त्र जिसका उल्लेख केवल शास्त्रों में किया गया है, लेकिन कभी भी इस महान अस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया। यह अस्त्र महादेव का महाउग्र और रुद्र रूप का प्रत्यक्षी का कारण माना जाता है। यह अस्त्र बड़े से बड़े दिव्यास्त्र जैसे कि ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, बड़े बड़े अस्त्रों को निगल जाने की शक्ति रखता है। पुराणों के अनुसार इस अस्त्र का ज्ञान केवल भगवान परशुराम जी को था। परशुराम जी महादेव जी के परम भक्त थे। वे नित्य भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। इसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने परशुराम जी को दर्शन दिए और कहा, हे भार्गव परशुराम, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपना विजय धनुष प्रदान करता हूँ। ठीक उसी समय महारुद्र ने विजय धनुष के साथ साथ इस महान संभाव अस्त्र का ज्ञान परशुराम जी को दिया था। तभी से इस अस्त्र का ज्ञान भृगु परशुराम जी को हुआ था। परशुराम जी के अनेक शिष्य बने, लेकिन वह केवल ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा देते थे। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान धनुर्धर हुए हैं सभी परशुराम जी के शिष्य थे, जिसमें गंगापुत्र भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महापराक्रमी योद्धा थे। परंतु शांभव अस्त्र का ज्ञान केवल एक ही शिष्य को प्रदान किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं सूर्यपुत्र कर्ण की बात कर रहा हूँ। सूर्यपुत्र कर्ण भगवान परशुराम जी के सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्होंने एक एक करके कर्ण को सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। कर्ण के शिक्षा प्राप्ति के दौरान ही एक बार ऐसा हुआ कि आश्रम के आसपास रहने वाले गांव के लोगों की भीड़ परशुराम जी के पास आई और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, हमारी और हमारे परिवारों की रक्षा करें। कई सालों से हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, जिसके कारण हमारे खेत और फसल भी सूख गए। पीने तक का जल मिलना दुर्लभ हो गया, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। तभी परशुराम जी ने कर्ण को आज्ञा दी और कहा, हे कर्ण, जाओ और इंद्रधनुष का निर्माण कर इंद्रदेव का आह्वान करो। गुरु की आज्ञा पाकर कर्ण ने इंद्रदेव का आह्वान किया और उनसे निवेदन किया और कहा कि हे इंद्रदेव, आप कृपया वरुण देव को वर्षा करने का आदेश दें। इंद्रदेव अपने घमंड में थे, इसलिए इंद्रदेव ने कर्ण की नहीं सुनी। फिर कर्ण ने युद्ध के लिए आह्वान दिया। इंद्रदेव और कर्ण के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। एक से एक बढ़कर दिव्यास्त्र का युद्ध चलने लगा। इंद्र को यह ज्ञात नहीं था कि कर्ण भार्गव परशुराम जी का शिष्य है। फिर इंद्रदेव ने अपना शक्तिशाली अस्त्र वज्र का आह्वान किया। कर्ण ने यह देखकर गुरु द्वारा प्रदान किया गया शांभव अस्त्र का आह्वान किया। शांभव अस्त्र की प्रचंड शक्ति को देखकर इंद्रदेव हैरान हो गए और कहा, कर्ण रुको, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। शांभव अस्त्र में इतनी शक्ति होती है कि वो कई सारे ब्रह्मास्त्रों को एक साथ निकल जाता है। फिर इंद्रदेव ने पूछा, कर्ण तुम आखिर कौन हो और कौन है तुम्हारे गुरु जिसने तुम्हें इतनी शक्तियां प्रदान की? यह सब पूछते ही वहां भगवान परशुराम जी आ जाते हैं और फिर इंद्र ने अपनी भूल की माफी मांगी और फिर वरुण देव से आग्रह किया कि वरुण देव, आप कृपया वर्षा कराएं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम मिलते हैं ऐसा ही एक पौराणिक वीडियो के साथ।